आप देख रहे हैं कि एसडीएम साहब खुद उमरा गांव में कंटेनमेंट जोन के बाहर खड़े हैं और इसका जायजा ले रहे हैं एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र अहलावत। आइए इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब प्लीज बताइएगा, आप उमरा गांव में पहुंचे हैं जहां कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाया गया है, जहां 3 केसेस यानी कि कोरोना पॉजिटिव मिले थे, तो क्या निरीक्षण किया है और क्या निरीक्षण करने आ रहे हैं आप यहाँ? मैं यहाँ पर अभी कंटेनमेंट जोन को अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, उससे पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि कितना एरिया हमने लिया है और लोग यहाँ क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, उनके समाधान क्या क्या किए जा सकते हैं। यहाँ नाके लगाए गए हैं, तो नाके लगाए गए हैं, तो अभी हम जो है उसके आकलन कर रहे हैं, उसमें जाकर आज शाम तक ये डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग जो भी नहीं, डॉक्टर एसएमओ ने तो कहा कि हाँ, ये हमने नाके लगा के सारा निकाल कर दिया है, आज शाम तक डिक्लेयर कर देंगे। उन्होंने कहा कि 250 यानी कि घर हमने कंटेनमेंट कर दिया, डॉक्टर एसएमओ का कहना है। जी जी, वो आपके नॉलेज में है? हाँ हाँ, वो हमारे नॉलेज में कंटेनमेंट जोन की 250 का। हाँ, और बाकी का बफर जोन? बाकी गाँव बफर जोन रहेगा। और सैम्पलिंग और सर्वे यहाँ जो है वो करवाया जाएगा? हाँ बिल्कुल, लगातार जो है जारी रहेगा। यानी कि सर्वे का होता है कि फ्लू जुकाम बुखार, ये स्क्रीनिंग का, और पीसीआर सैंपल होता है कंफर्मेटिव टेस्ट, यानी कि कंफर्मेटिव टेस्ट भी होंगे यहाँ? हाँ बिल्कुल, जब जब जरूरत पड़ेगी हमें उनके कंफर्मेटिव टेस्ट भी कराए जाएंगे। जो उनके कंटेक्ट्स में आए हैं उनके सभी के कराएंगे। 4 परिजनों का कहा जा रहा है कि कंटेनमेंट जोन यानी कि अग्रवा धाम में भेज दिया गया है कि उनके परिजनों के 4 को, उनके मदर फादर और 2 बच्चों को, क्या आप इस बारे में जो है ना अभी मुझे स्टिल पता नहीं है, क्योंकि अभी कंटेनमेंट जोन का इलेक्शन बने आए हैं, तो वो डॉक्टर्स ने बताया तो ठीक कह रहे हैं। ये हैं डॉक्टर जितेंद्र अहलावत। हम बता दें कि यहाँ के कंटेनमेंट जोन जो कि यानी कि 250 घरों को कंटेनमेंट जोन में कन्वर्ट किया गया है, उनका निरीक्षण करने आ रहे हैं डॉक्टर। एसडीएम साहब का कहना है कि अभी कंटेनमेंट जोन का फाइनल यानी कि अमली जामा पहनाना बाकी है, लेकिन एसएमओ के अनुसार 250 घरों को कंटेनमेंट जोन में कन्वर्ट किया गया है और बाकी का बफर जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। 4 परिजनों को यानी कि क्वारंटाइन किया गया है अग्रवा धाम के अंदर, और बाकियों को यहाँ पीसीआर सैंपल ले रहे हैं। एमपीएसडब्ल्यू जो कि आप देख रहे हैं एक बिल्कुल आप मेरे सामने कि एमपीएसडब्ल्यू है, उनसे एसडीएम महोदय स्वयं यानी कि इस बात का डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या क्या यानी कि यहाँ कितने सैंपल लिए जाएंगे, कितने पीसीआर के सैंपल लिए जाएंगे। तो यानी सीएसपी डिसाइड किया समूह है और पूरा गांव आपके अंडर आता है? जी सर। यहाँ 3 पेशेंट, कितने पेशेंट मिले हैं यहाँ? यहाँ पे सर 3 केस पॉजिटिव मिले हैं और उनके 4 फैमिली मेंबर जो कि कांटेक्ट में थे, वो जो 3 जो पॉजिटिव केस थे उनको अग्रवाल कल रेफर कर दिया गया, जो कि जो कांटेक्ट वाले थे उनको अग्रवाल धाम के लिए भेज दें ताकि वहाँ पे उनकी सैंपलिंग हो जाए। तो यहाँ पर कोई कंटेनमेंट जोन बनाया है क्या? सर यहाँ पे उमरा में जो आस पास का एरिया को उसको कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और उससे थोड़ा सा दूर पे उसको कन्वर्ट किया गया है। और यहाँ पे अभी पीएससी उमरा में अच्छा सैंपलिंग अभी हुई है, अब डॉक्टर पुलकित वहाँ पे जा रहे हैं कंटेनमेंट जोन में, जो भी उसके कॉन्टेक्ट हिस्ट्री वाले हैं उनके पीएसआर सैंपलिंग के लिए। पीएसआर सैंपलिंग होगी उनकी? हाँ, उनकी जरा यह मैं बता रहा हूँ, उनकी पीएसआर सैंपलिंग। इनकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है जरा हम बताएंगे क्या सर? ये जो पीएसआर पॉजिटिव केस जो है इनके बॉम्बे के ट्रैवल हिस्ट्री है। हाँ जी सर। और ये 24 तारीख को सर यहाँ उमरा में आए थे, 25 तारीख को भी हिसाब की सैंपलिंग हुई है और कल ये पेशेंटों के पॉजिटिव कंफर्म किए बिल्कुल बिल्कुल हुए हैं। और अब मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप अपने घर में रहें, स्वस्थ सेफ रहें, अपना मास्क लगा के रहें और हाथ को बार बार वॉश धोएं, सैनिटाइज करें। खड़े हैं उमरा गांव के पीएससी सेंटर में, जहां 2 एमपीएसडब्ल्यू जो पूरे गांव को संभाले हुए हैं, इनके नेतृत्व कर रहे हैं इस गांव में, जहां कंटेनमेंट जोन बना है वहां जाकर सैंपलिंग लेंगे। आइए इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? प्रेम मलिक। हाँ मलिक साहब, बताइए कि क्या उमरा गांव में क्या घटना हुई है, क्या हुआ? यहाँ 3 सैंपल पॉजिटिव आए हैं, रात को उनको तुरंत वो अग्रवा में भेज दिया गया है COVID-19 हॉस्पिटल में। हाँ, तो अब कितनी सैंपलिंग होगी? अभी 75 और 76 के बीच में अंदाजा, यानी कि आप लोगों ने सर्वे किया है? हाँ, पूरा सर्वे कर चुके हैं हम। हाँ, अभी टीम को साथ लेके सैंपलिंग करवाने जा रहे हैं, सैंपलिंग पीसीआर सैंपलिंग करवाएंगे।
मैं अनिल कुमार MPW PHC उमरा। यहाँ 300 पॉजिटिव केस है, 4 कॉन्टेस्ट केस है, चारों भी अग्रवा में भेज दिया कंटेनमेंट के लिए और 3 केस पॉजिटिव है। यहाँ लगभग 250 घरों का सर्वे किया गया है और पुलिस फोर्स और नाके नुके पूरी तरह वो है। कितने नाके लगे हुए हैं? 12 नाके लगे हुए हैं। पुलिस प्रशासन और पूरा प्रशासन हमारे साथ है। RCG सुविधा पूरी रात को 2 बजे तक से सुबह 4 बजे से लगे हुए हैं। इसमें कोरोना कितने घर यानी कि 400 घर के आस पास है लगभग। 250 बता रहे थे कंटेनमेंट जोन, वो फिर बढ़ा दिए थे हमने 350-400 के बीच कर दिए कंटेनमेंट जोन में। और बाकी बफर जोन में है, बाकी बफर जोन में है। उनका सारे का सर्वे करवाने लग रहे, सैनिटाइजर करवाने लग रहे पूरे गाँव को, और 4 दिन बाद दोबारा जो पॉजिटिव एरिया उसको 4 दिन बाद दोबारा सैनिटाइज करवाएंगे। तो इनका राशन पानी कैसे करेंगे? वो हम फोन पे अवेलेबल करवाएंगे, सरपंच और जो भी है उनकी जिम्मेवारी है, उनको जिसको जरूरत है वो करवाएंगे। यानी कि होम डिलीवरी करवाएंगे? होम डिलीवरी करवाएंगे। फोन सार्वजनिक कर दिए गए हैं? फोन सार्वजनिक का भी कर देंगे, घंटे के अंदर अंदर सार्वजनिक फोन जो भी जिसको जरूरत है मेडिसिन की या राशन की वो हर चीज घर पहुंचवाएंगे। यानी कि PCR के सैंपल अब लेने जा रहे हैं? अब लेने जा रहे हैं। और वैसे बुखार जुकाम खांसी का सर्वे हो चुका? वो सर्वे हो चुका है। यानी 25 कॉन्टेक्ट में आए हैं उनके PCR उनके सैंपल अभी लेने हैं, कुछ के ले चुके हैं, कुछ के ले चुके जो बाहर से आए थे बॉम्बे से महाराष्ट्र से कर्नाटक से उनके सैंपल हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं सैंपल? उनके सैंपल लगभग 12 हो चुके हैं। 12 हो चुके हैं और 25 और लेने? 25 और लेने। टोटल 37 PCR होंगे? टोटल प्लस हो जाएंगे, जितना भी होगा मैक्सिमम करवाएंगे।